सब चिल्ला रहे हैं कि ड्रग्स केस में दीपिका जेल जाएंगी, दीपिका जेल जाएंगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? क्या सच में दीपिका भी रिया चक्रवर्ती की तर्ज पर जेल के सलाखों के पीछे जाएंगी? पहले अगर न्यूज चैनल की बात करें तो ऐसा लगता है कि बस अगले कुछ घंटों में तो दीपिका जेल के भीतर ही होंगी। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, ये इतना आसान नहीं है। दीपिका को जेल भेजे जाने की बात करने वाले लोग खामखा सनसनी फैला रहे हैं। दरअसल दीपिका का जेल जाना तकनीकी तौर पर काफी मुश्किल है। आप ऐसा मान के चलिए कि ये लगभग नामुमकिन है। और ड्रग्स लेने के आरोपों के बावजूद ऐसा क्यों होगा, इसकी तीन अहम वजह हम आपको बताते हैं। पहली वजह, 3 साल पुरानी चैट को लेकर FIR दर्ज करना होगा मुश्किल। दीपिका पादुकोण की व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। दीपिका और करिश्मा के बीच की बातचीत 28 अक्टूबर 2017 को हुई थी, यानी आज से 3 साल पहले इन दोनों में ये बातचीत हुई। इसलिए इतनी साल पुरानी चैट को लेकर तकनीकी तौर पर FIR दर्ज करना मुश्किल होगा। दरअसल आपको बता दें कि FIR दायर करने में देरी होने पर भी अपराधी के खिलाफ तहकीकात और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, पर फिर भी FIR दायर करने में हुई देरी अपराधी के विरुद्ध केस को कमजोर बनाती है और कोर्ट में FIR दायर करने में हुई देरी का स्पष्टीकरण देना भी जरूरी होता है। ऐसे में दीपिका के खिलाफ इस FIR को फाइल होने में इतना टाइम क्यों लगा, इसको भी जस्टिफाई करने में वक्त लगेगा। नंबर 2, टर्मिनोलॉजी की वजह से भी केस दर्ज करना होगा मुश्किल। दीपिका पर अभी सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर हंगामा मचा है वो है उनकी चैट को लेकर। चैट में दीपिका पहले माल शब्द का इस्तेमाल करती हैं और बाद में खुद को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हैश या वीड लिखती हैं। अब सवाल ये है कि माल शब्द या फिर हैश और वीड शब्द पर कितनी संगीन धाराएं बनती हैं। आपको बता दें कि हैश या वीड ये दोनों ही गांजे के पौधे से बनती हैं। इनका दवाइयां बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इसी पौधे से भांग भी बनती है, जिसका इस्तेमाल अक्सर ठंडाई बनाने में और कुछ प्रसाद को बनाने में भी होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें NDPS एक्ट के तहत धाराएं काफी कमजोर हैं और ऐसे में दीपिका के जेल जाने की संभावना लगभग ना के बराबर है। और तीसरी वजह, अगर एक चैट के आधार पर दीपिका पर एक्शन होता है तो कंगना पर भी एक्शन का मसला उठेगा। दीपिका की 3 साल पुरानी चैट को लेकर अगर उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है तो इसके बाद कंगना रनौत पर भी एक्शन का मसला उठ सकता है। दरअसल इंटरनेट पर वायरल हुए 2016 के एक इंटरव्यू में अध्ययन सुमन ने कहा था, साल 2008 के मार्च में होटल द लीला में आयोजित अपनी बर्थडे पार्टी में कंगना रनौत ने अपने सभी सहकर्मियों को बुलाया था। उसने कहा, चलो आज रात कोकीन लेते हैं। मैंने इससे पहले उसके साथ कुछ एक बार हैश पिया था और मुझे वो पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने मना कर दिया। मुझे याद है कि उस रात इसी बात को लेकर मेरा उससे काफी झगड़ा भी हुआ था। इसलिए गौर करने वाली बात यह है कि दीपिका को लेकर, पुरानी चैट्स को लेकर अगर NCB पूछताछ करती है तो हो सकता है आगे जाकर NCB का शिकंजा कंगना और उनके एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन पर भी जाए। और जाहिर है कि जब तक NCP को पक्के और बड़े सबूत नहीं मिलते तब तक कंगना क्या दीपिका को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। खैर, अब देखते हैं कि NCB दीपिका को लेकर अपना क्या फैसला लेती है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।